अभी हम लोग फिर से आए हुए हैं जमुआ हैराम में, और ये जो आजमगढ़ एयरपोर्ट के जो विस्तारीकरण का आंदोलन चल रहा है वो अभी तक है चलता हुआ, और आज इसका 16वां दिन हो गया है। पिछले 15 दिनों से चल रहा है। आज भी यहाँ पर बहुत सारे नेता हमारे पीछे आए हुए हैं जो कार्यकर्ता हैं, खास करके अरुंधति मैम है जो नर्मदा बचाओ में जो मेधा पाटेकर जी थी उनके साथ में थी। तो हम लोग इनसे पहले बातचीत करेंगे, देखते हैं कि ये क्या कहती हैं कि जो आजमगढ़ के लोगों का विस्थापन का जो आंदोलन चल रहा है उसमें ये क्या इन लोगों को सांत्वना देने आई है, क्या उनके साथ सहयोग करने आई है कि इनको यहाँ से विस्थापन ना होना पड़े। तो चलिए आके बातचीत करते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है आजमगढ़ में, आप यहाँ वहाँ से आई हैं, तो सबसे पहले आप बताएं कि यहाँ पर आई हैं कैसे, कांटेक्ट किसने किया था आपका? सबसे पहले ये लड़ाई हमको ही पहले पता चली, अच्छा, हम ही ने राजीव यादव को बचा। अच्छा, तो ये बहुत बड़ा मुद्दा हो गया है जो है वो हमारे सेंचुरी में इंदौर में लड़ाई लड़ते हैं, हम नर्मदा बचाव आंदोलन से है जो 36 साल से देश का बांध रोका है, तो हम वहाँ से जन आंदोलन का राष्ट्रीय समन्वय से और नर्मदा बचाव आंदोलन से, तो वहाँ से मेधा पाटकर को पता चला इनके थ्रू कि जमीन जा रही है, तो मेधा ने फिर हमको कहा, फिर हमने राजू को भेजा, वैसे तो हम ही नहीं राजू को, तो ये लड़ाई हमें मालूम है, ये बहुत बड़ा हो गया है संपर्क है, ये एक लड़ाई ऑलरेडी लड़ रहे हैं और वो लड़ाई से हमारा आंदोलन का मुझे अलायंस में है वो, राजू भी उसके भाग है, तो उसी से पता चला। और यहाँ पर जो आई हैं यहाँ के लोग काफी दिनों से परेशान है पूरा, तो उसकी आप क्या कहेंगे सरकार के लिए? नहीं, वो तो बात है ही, हम तो अभी कोशिश कर रहे हैं डीएम को भी मिलने की, लोगों को तो जमीन देनी नहीं चाहिए। सबसे मुझे आश्चर्य लग रहा है अभी तक इनको कोई लीगल नोटिस वगैरह नहीं आई है, जो जनरली आनी चाहिए लैंड एक्विजिशन के नीचे, यदि सरकार को जमीन चाहिए तो उनको नोटिस भेजनी चाहिए, फिर सरकार उसके ऊपर ये लोग ऑब्जेक्शन उठा ले तो वो बातचीत होगी। अभी तो कोई कागज कार्रवाई के बिना ही सर्वे चल रहा है, ये कर रहा है, भाई जिसके आप जमीन लेंगे उसको खबर तो करोगे कि नहीं? बिल्कुल, तो वो तो अभी तक हुआ नहीं है, पहले तो सरकार को वो करना चाहिए, हम तो पहले कहेंगे कि वो पहले प्रक्रिया होनी चाहिए, क्योंकि आप कैसे वो बात कर सकते हैं कि आप किसी के भी, आपके और मेरे घर में कोई आएगा तो हमारा हक तो बनता है कि नहीं पूछने का कि काहे हमारे घर में आए हो, काहे हमारे जमीन पे आए हो, तो सरकार को पहले कहना चाहिए कि मुझे तुम्हारी जमीन चाहिए या मुझे क्या चाहिए, ये तो सरकार ने अभी तक बोला ही नहीं है, तो जब तक वो नहीं होता तो सरकार को तो पहले पूछना चाहिए। अच्छी बात है कि लोगों ने इतने समय से धरना अपना मजबूती से रखा है, इसकी खबर तो सब जगह जा रही है और हमें लगता है कि देश भर से भी लोग आएंगे, मेधा जी भी आएगी जल्दी ही, और आज भी हम शाम को कोशिश करने वाले हैं डीएम को मिलने का, और कि पहले तो सरकार बताए कि क्या मामला है, भाई सरकार को तो बताने का, पहले लोगों को जानने का हक है ना, उनको हक के बिना आप कैसे किसी के घर में घुस सकते हो, उनकी जमीन उनका घर है उनकी जिंदगी है, तो लोग अपना विरोध कर रहे हैं, फिर लोगों को देना है कि नहीं लोग तय करेंगे, और नहीं देना तो जबरदस्ती कैसे दे सकते हैं, तो अपने आप कैसे कर सकते हैं, किसी का भी कुछ चाहिए तो क्या हम डीएम के कार्यालय में जा सकते हैं क्या घुस के बिना पूछे बिना, तो सरकार का क्या अधिकार बनता है, तो लोगों की अपनी जमीन है। एक चीज और हुआ कि आप एक महिला है और यहाँ पर पहले और दूसरे दिन ही रात में मारपीट हुई, गाली गलौज हुआ, अभद्र शब्दों का प्रयोग, जो वर्दीधारी कहेंगे सरकार के सेवक है, जो आम जनता के सेवक भी कहे जाएंगे, उनके द्वारा किया गया, इस पे आप क्या? नहीं तो बहुत गलत है, वो तो कोई सवाल ही नहीं है इसके बारे में, उनको तो जिन्होंने किया है उनको तो शिक्षा होनी चाहिए, क्योंकि एक तो रात को आके गाँव में सर्वे करने का जरूरत नहीं, रात में तो गाँव में चोर आता है, जो सभ्य इंसान होता है वो गाँव में नहीं आता है, सरकार का डर रही है कि रात को घुसी थी गाँव में, ये कहाँ का काम है, और फिर औरतों के साथ भद्र गालियाँ देना, तो औरतों ने दी तो वो तो अपना रक्षण कर रही है, तो उनका तो अधिकार बनता है, बिल्कुल अधिकार बनता है, पर सरकार का तो कोई अधिकार नहीं बनता, कोई सरकारी जमीन नहीं है, सरकार हमसे चलाती है, इसका मतलब कोई सरकार को हमने खरीद नहीं लिया है सरकार ने हमको, तो वो तो जो है वो तो पूरी तरीके से गलत है, और उसको तो बाहर मुद्दा उठाना चाहिए, जिन्होंने किया उनको शिक्षा होनी चाहिए, इसके बारे में कोई सवाल। तो इसके लिए जो है कि डीएम और एसडीएम लोग भी इसमें कुछ सहयोग नहीं कर रहे थे, जब लोग शिकायत भी कर रहे थे तो वो इन लोगों को उल्टा ही डांट लगा रहे थे, तो नहीं इसको तो बार वो तो उठाना ही चाहिए मुद्दा, और हमें लगता है कि हम सब लोग भी ये मुद्दा पूरे भारत देश में उत्तर प्रदेश के लेवल पे भी लेके जाएंगे, और सब जगह पे मुद्दा उठना चाहिए कि जो सरकार यहाँ पे आजमगढ़ में जो शासन कर रहा है वो पूरी तरीके से गलत है, और वो शासन इसके लिए जिम्मेदार है, शासन सरकार का जनता का नौकर है ना, तो शासन को पहले जनता को बताना चाहिए, और उनको जानने का हक है, वो उनकी जमीन है उनका घर है, तो उसको तो हम तो कोशिश करेंगे उत्तर प्रदेश में ही नहीं पूरे देश भर में उसका मुद्दा उठे, और देश भर के भी सामाजिक लोग और देश भर के लड़ने वाले लोग यहाँ पे आए और इनके लड़ाई के और संगठन के साथ समर्थन देने ही हम आए हैं, और कोशिश करेंगे और भी लोग यहाँ पे आए, और जरूरत पड़ेगी यहाँ के इनके साथ बैठेंगे।
ये सही कहा आपने। तो आप आई हैं इन लोगों को मोटिवेट करने के लिए जो आंदोलन और बड़ा होगा। वो बहुत अच्छी बात है कि खुद ही लोग यहाँ पे लड़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लगने को अच्छा लग रहा है कि महिलाएं इतनी कॉन्फिडेंटली लड़ रही है। दिवाली के दिन भी हमने देखा था इन्होंने दिए लगाए थे शाम को, वो फोटो देखा तो बहुत अच्छा लगा, बहुत ताकत की बात है। तो उनके इसमें ताकत में अपना हाथ जो भी सहभाग हो सके वो करने ही आए हुए हैं। और एक चीज ये हो जाता है कि जो एयरपोर्ट बन रहा है विकास के दृष्टि से तो ठीक है बन रहा है, लेकिन इसमें कमी क्या हो जा रही है कि इसका विरोध करना पड़ रहा है, मतलब कि ये जो जिस तरह से हो रहा है। जमीनें जब चली जाती है, किसान है ये, किसान के आधार जो भी है जमीन के आधार पे, एक बार आप जमीन से चले गए, आपने कहीं दुनिया में देखा है कि जिसकी जमीनें चली गई वो वापस पैरों पे खड़ा हो गया? जमीन तो माता है, तो एक बार वो चली गई तो उसके बाद तो वो नुकसान नहीं जाएंगे। और एयरपोर्ट बन रहा है तो इनमें से किसको जाना है विमान में बैठ के? आपको जाना है तो विकास किसका है, ये बड़ा सवाल है। क्या विकास सिर्फ फ्लाइट में बैठने वालों का है? विकास इनका विकास पे अधिकार नहीं है क्या? तो इनकी जमीनों का क्या? तो एक बार आप जमीन ले लेंगे तो क्या उस रेट में कोई जमीन खरीद पाएगा आजमगढ़ में? आज आप खुद भी आजमगढ़ के होंगे, आप जानते होंगे कि आजमगढ़ के जमीन में कितना भी इनको कॉम्पनसेशन मिले तो कैसे कहाँ से बैठ पाएंगे, कहाँ जाएंगे, कहाँ से जमीन खरीदेंगे? जो उनको 5 एकड़ में मिलेगा इसमें 1 एकड़ नहीं खरीद पाएंगे, तो उनके विकास का क्या, उनके बच्चों के विकास का क्या? तो आप किसी की जमीनें लेके ये करके आज तक दुनिया में विकास नहीं हुआ है और वो कहीं होता नहीं है। तो एयरपोर्ट का होना है तो जहाँ जमीन नमस्ते तो वहाँ पे करना चाहिए। वह ऑलरेडी बना है एयरपोर्ट, वही तो इस्तेमाल नहीं हो रहा है, तो और कहाँ से एयरपोर्ट बना रहा है? हम तो देख के आए, अभी तो हमें थोड़ा टाइम लगा क्योंकि हम तो चलने घुसने चले गए थे वहाँ पे एयरपोर्ट जहाँ पे बन रहा है। वो तो बिल्डिंगें बनी हुई है, वहाँ तो घास उग रही है, तो और कहा है कि 2006 से बन रहा है, 2006 से अभी तक उसका उद्घाटन नहीं। और वो जो उद्घाटन है वहाँ तो है, उसका इस्तेमाल आपने किया नहीं और फिर आप दूसरी जमीनें ले रहे हैं, ये क्या प्रकार है? मुझे पहले तो उसका तो इस्तेमाल करिए, वहाँ तो कुछ नहीं उड़ रहा है, वहाँ तो घास उग रही है, देख के आ गए, बड़ी बिल्डिंगें पड़ी हुई है, इतनी जमीन है तो कितना बना रहे हैं? लंदन का हेथरो बनाने जा रहे हैं क्या? कितनी जमीन चाहिए इनको मुझे? ये तो जितनी जमीनें देख रहे हैं ये तो लखनऊ नहीं दिल्ली के एयरपोर्ट से ज़्यादा बड़ा होगा। तो आजमगढ़ में से ऐसा कौन सा ट्रैफिक हो रहा है जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने की, छोटा शहर में आता है, क्या जरूरत है भाई? बगल में ही बनारस है, अयोध्या में एयरपोर्ट बनने जा रहा है, तो कितना एयरपोर्ट के आधार पे विकास कहीं हुआ है क्या? गोरखपुर में भी है, इंटरनेशनल नहीं है लेकिन है, तो कहाँ जाना है इंटरनेशनल बना है, उसी का पहले इस्तेमाल करिए ना, उसका इस्तेमाल हो तब तो फिर देखा जाए कि जरूरत कितनी है। अब जब उसका ही इस्तेमाल नहीं हो रहा है तो आप जमीनें क्यों लेते जा रहे हो? हम देख के आए कि पूरा अंदर, हम गए थे अभी वहां तक राजू के साथ गाड़ी घुमा के, पूरी घास उगी हुई है अंदर, तो वहां कुछ नहीं है, तो आप उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, उसमें भी किसी की जमीनें गई, उनकी भी जिंदगी आपने नुकसान करा दी, ना उसका इस्तेमाल कर रहे हो, अब इनकी जमीनें ले आ रहे हो, ये क्या तमाशा है? जबकि ये पूरा की पूरा उपजाऊ है इधर में, बिल्कुल ये तो बिल्कुल तमाशा है, बिल्कुल गांव भी इफेक्ट हो रहा है, लोगों के घर की जमीनें जा रही है, तो कहां लेके जाएंगे? सरकारी अपने बंगले में रखने वाले हैं क्या डीएम साहब? उनकी ट्रांसफर होती है तो उनको चिढ़ मचती है, और यहाँ लोगों की जिंदगी उजाड़ने की बात कर रहे हैं, है ना? एक चीज और है कि जिस तरह से प्रशासन था आकर के किया रात में, ये चीजें तो ठीक है, लेकिन ये कितना दबाव उनके ऊपर भी होगा कि हम ऊपर से आकर के कि ऊपर वालों के ऊपर ही ये सवाल उठाना चाहिए, यूपी के असेंबली में भी सवाल उठाना चाहिए, और हम तो देख रहे हैं कि यूपी के असेंबली कब चालू हो जाए तो कुछ पार्टी के लोग उसके ऊपर सवाल उठाए, यहाँ के विधायकों को भी सवाल उठाना चाहिए कि उनकी तो जिम्मेदारी है ये क्षेत्र के ऊपर, पर वो मुझे नहीं मालूम आए कि नहीं विधायक सांसद और उनकी जिम्मेदारी है। विधायक आए थे, नफीस अहमद आए थे, समाजवादी पार्टी के हैं, विधानसभा के जनता पार्टी के हैं, वो आए थे सांसद जी आए थे? नहीं, लोग गए थे उनके यहाँ, वो अभी तक नहीं आए सांसद जी, नहीं क्योंकि उनकी भी तो जिम्मेदारी है, ये क्षेत्र ने उनको चुन के दिया है, तो उनकी तो शूटिंग में व्यस्त है वो, विधायक जनता मर रही है, वो शूटिंग कर रहे हैं, हमसे मत बताइए, एक्टर आदमी है, एक्टर है ना वो फिल्मों के भोजपुरी पहले उनकी एक्टिंग है, उसके बाद उनका काम, हाँ वो सांसद की जिम्मेदारी नहीं है कुछ, वो केवल अपने फिल्मों के लिए वो प्रचार कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, वो यहाँ के सांसद यहाँ है भले हैं, लेकिन यहाँ के पब्लिक के लिए वो ये एक पैसे का काम नहीं है उनका। अब यहाँ पब्लिक इतनी त्रस्त हुई है, वो आके कम से कम उनकी जिम्मेदारी बनती है कि आके कम से कम हम देखें यहाँ हो क्या रहा है, यहाँ के सांसद को आके देखना चाहिए ना कि यहाँ हो क्या रहा है। एक चीज और है कि वो जनता दरबार लगाते हैं देखने को, ऐसा कोई सांसद नहीं लगाया आज तक कहने को है, लेकिन जो जनता दरबार और यहाँ पे जो आंदोलन हो रहा है इसको भी देखने आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? नहीं आना चाहिए ना, उनको उनकी जिम्मेदारी बनती है ना, उनको पब्लिक ने बना के भेजा है ना, उनकी जिम्मेदारी है कि वो आके देखें, लेकिन वो क्यों नहीं आ रहे हैं ये समझ में नहीं आ रहा।
इस बात को उनको समझना चाहिए। तो यहाँ पर औरतें बैठी हुई हैं, इनसे हम बात करें कि अभी ये आई है अरुंति मैम, कितना सपोर्ट आप लोगों को मिल रहा है कि अब मिल जाएगा, मतलब हमने उजरेगा नहीं घर? हम लोगों को बहुत सपोर्ट मिल रहा है, हाँ मिल जाएगा। मतलब ये आप लोगों का आंदोलन बड़ा हो रहा है, मतलब धीरे धीरे? हाँ बहुत बड़ा हो रहा है धीरे धीरे करके। काफी खुश होंगे तब? हाँ जब जमीन मिल जाएगी वही तो खुश होना ही होना है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अब नहीं जब देंगे तब तो हम लोग तो दुखी हैं, बिल्कुल, तो इसीलिए हम लोग अपनी जमीन के लिए मर जी रहे हैं, ठीक है। हाँ। और बताएं कुछ, मतलब कि इसके पहले इसके बाद फिर करने नहीं आए थे आंदोलन, मतलब क्या बोलते हैं, इसके पहले सर्वे नहीं करने आए वो? नहीं तब से नहीं आया? नहीं तब से लोग ना आ रहे। मतलब आप लोगों का पहली बार आए हैं ना यहाँ पे? यहाँ पहली बार आए हैं तो 2013 में सर्वे हुआ था, कहते वो कहाँ का था? 2013 में शायद हमको लगता है वहीं का हुआ होगा जहाँ पे एयरपोर्ट इसमें है वहीं। ये कब बना है एयरपोर्ट? ये 2006 से उसका शुरुआत पड़ा है और अभी तक उसका उद्घाटन भी नहीं हुआ है। अच्छा उसको कभी विमान वगैरह कुछ उड़ाई नहीं, वहाँ तो अंदर घास है कुछ नहीं? कभी काल के जब वहाँ पे नेता आते हैं, जैसे मोदी जी आए थे 2014 में 17 में 19 में, तब यही आए हेलीपैड उतारने के लिए। पर वैसे एयरपोर्ट चलता नहीं, नहीं है, वैसे विमान नहीं जाता। नहीं नहीं ये तरी बड़े यार एयरपोर्ट बनल है, ओपे ना जहाज उतरे के ना ऊपर आवे जाए के कौन जरूरी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बनवा लेकर जनता के उठवा कहके जनता के उजाल होना चाहिए हमको लगता है। और वहाँ कभी कुछ हुआ नहीं? आप लोग तो इसी क्षेत्र के होंगे, कभी नहीं कुछ हुआ है? कुछ नहीं, वही तो मोदी जी आते हैं तब हेलीकॉप्टर का हेलीपैड तो सब जगह पे उतरता है, तो सभी डिस्ट्रिक्ट में होता है, पर वैसे विमान नहीं उड़ता है कभी। तो आज की वीडियो हमारी यहीं तक है, मैम से हमने काफी अच्छी बात करी और इनको लोग जानते हैं कि ये है अरुंधति मैम जो नर्मदा में थी, नर्मदा के साथ क्या नाम था उनका मैम? हाँ मेधा पाटेकर जी के साथ ही है। तो आज के लिए बस इतना ही, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करेगा, शेयर करेगा और कमेंट करके बताएगा कि जो आंदोलन बड़ा हो रहा है इसमें कितनी मजबूती आ रही है, अब कि हमारे जो घर है वो हमारी जमीनें हैं वो बच जाएंगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।